नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं बोल्डस्काय। पूरी दुनिया में वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। महिलाओं के रुतबे को सलाम करता ये खास दिन हर किसी के लिए बेहद खास होता है। ऐसे में भला बॉलीवुड सेलिब्स के लिए ये दिन खास क्यों ना हो। तभी तो देखिए ना, बॉलीवुड सेलिब्स भी अपने अपने अंदाज में कुछ इस तरह से इस दिन को कर रहे हैं सेलिब्रेट। कुछ इस अंदाज में बॉलीवुड सेलेब्स कर रही हैं वुमेन्स डे पर विश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हर कोई महिलाओं को बधाई और शुभकामना देता नजर आ रहा है। अमिताभ बच्चन से लेकर अजय देवगन तक बॉलीवुड स्टार्स ने दी महिला दिवस की बधाई। आज वुमेन्स डे हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है, तो वहीं महिलाएं भी वुमेन्स डे पर सबको विश करती नजर आ रही हैं। बॉलीवुड के कई स्टार्स ने महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बधाई देते हुए संदेश पोस्ट किए हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा कि महिला दिवस के लिए केवल एक ही दिन क्यों हो, मेरे लिए तो हर दिन महिला दिवस है। देखिए अमिताभ का ये ट्वीट। तो वही मनोज वाजपेयी ने शुद्ध हिंदी में ट्वीट कर महिलाओं को वुमेन्स डे की बधाई दी। उन्होंने लिखा, महिला दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय देवगन भी इस मौके पर विश करते नजर आए। अपनी आने वाली फिल्म तानाजी की शूटिंग में लगे अजय देवगन ने लिखा कि उनके बिना कुछ भी नहीं, हैप्पी वुमेन्स डे। तो वही एयरलिफ्ट फेम निमरत कौर ने भी महिला दिवस पर संदेश देते हुए ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया में एक लड़की को समान शिक्षा, समान अवसर और एक सुरक्षित स्वस्थ वातावरण मिले, सभी महिलाओं और पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। काजोल ने लिखा कि मेरी माँ ने हमें बच्चे की तरह बड़ा किया है, न लड़का और न लड़की, सिर्फ बच्चे की तरह। असल में सशक्तिकरण तब आता है जब आपको विश्वास हो कि आप हमेशा पर्याप्त से अधिक हैं। तमन्ना भाटिया ने लिखा कि जहां कहीं भी महिलाएं होती हैं वहां एक जादू होता है, सभी प्यारी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। आपको बता दें, हर साल की तरह इस साल भी खास थीम बैलेंस फॉर बेटर के साथ इस खास दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत में भी महिलाओं के सम्मान देने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों को आयोजन किया गया है। ऐसे में भला बॉलीवुड पीछे कैसे रह सकता है। और यही वजह है बॉलीवुड और टीवी जगत के सितारे महिलाओं का शान और सम्मान में अपने आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें, माधुरी दीक्षित ने भी अपने अंदाज में वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया। इसके अलावा आयुष्मान खुराना ने एक कविता शेयर की और इस अंदाज में महिला दिवस की बधाई दी। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन ने भी महिला दिवस को कुछ इस तरह से विश किया। कार्तिक आर्यन सुपर डुपर हिट हो चुके हैं, उनकी फिल्म लुका छुपी काफी ज्यादा हिट हो चुकी है और ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन चुकी है। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से विश किया। देखिए कार्तिक का ये ट्वीट। इसके अलावा अर्जुन कपूर की बात करते हैं तो अर्जुन कपूर ने भी बहुत ही शानदार तरीके से हैप्पी वुमेन्स डे विश किया। आप देख सकते हैं अर्जुन कपूर का ये शानदार ट्वीट। इसके अलावा आपको दिखाते हैं बिपाशा बसु का ट्वीट। बिपाशा बसु ने भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हैप्पी वुमेन्स डे लिखा। इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार ने भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से वुमेन्स डे को विश किया है। आप देख सकते हैं अक्षय कुमार का ये शानदार ट्वीट। इसके अलावा आप देख सकते हैं हेमा मालिनी का शानदार ट्वीट। हेमा मालिनी ने लिखा, मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूं कि आप अपनी अहमियत को समझें, तभी लोग आपकी कद्र करेंगे। दिल खोल कर जीना सीख लीजिए। आपको महिला होने का सुख मिला है, इसे बेकार मत जाने दीजिए। खुद को समझिए, पहचानिए। आप सभी को मेरी तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेरों बधाइयां। इसके अलावा आप देख सकते हैं सौम्या टंडन की विश। ऋत्विक धनजानी की बात करें तो उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से वुमेन्स डे को विश किया है। तो यकीनन सितारों की इन ट्वीट्स को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि हम सभी लोग महिलाओं की अहमियत को बखूबी समझते हैं, तभी तो वो अपनी जिंदगी में मौजूद महिलाओं को शुक्रिया बोलना नहीं भूलते। हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हमारी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।